नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये सोनाली का वर्ल्ड ट्रैक 90 आरएक्स ट्रैक्टर है और इसके ऊपर अभी एसी कैबिन लगवाया है इन्होंने, मतलब कंप्लीट नहीं है अभी, थोड़ा बाहर से कंप्लीट कर दिया। और आज इस वीडियो के अंदर इस एसी कैबिन का दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसलिए इसको अनकम्प्लीट दिखा रहा हूँ क्योंकि कल ये ट्रैक्टर अभी आज रात को ही चला जाएगा। ये काफ़ी दूर से आया है ट्रैक्टर, तो वहाँ पर भी जाके इसका कंप्लीट होने के बाद भी इसकी वीडियो बना के लेके आऊँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं इसको पूरा दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, और साथ में रेट भी बताऊंगा। जैसा भी आपको कैबिन लगे, जो भी कमी लगे, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि वर्ल्ड ट्रैक 90 ट्रैक एसी कैबिन लगवाया, इसका जो कंप्रेसर है वो अंदर लगा दिया इन्होंने, चेसी के अंदर ही है, बिल्कुल अंदर के साइड ये रहा। और कौन सी कंपनी है, कौन सा कंप्रेसर है ये गाड़ी का? ये है सैंडन, सैंडन कंपनी का, सैंडन 507 का उसका ये कंप्रेसर यहाँ लगा दिया आपने। उसके बाद बोनट के अंदर ही हो गया पूरा, ये अंडरग्राउंड हो गया। बहुत से कंपनी वाले क्या करते हैं, बाहर दे देते हैं, उसमें सेफ्टी कम होती है, बट इसके अंदर जो हमने दे दिया इसमें सेफ्टी ट्रैक्टर वाले की भी है और उसके चोरी होने का डर है और वर्किंग भी अच्छे से ठीक ठीक। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पुली लगवानी पड़ी, एक ये जो इसके अंदर जो ये है, एक एक्स्ट्रा पुली आई है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये एक्स्ट्रा पुली लगवाटर अपनी जगह है, बस ये एक्स्ट्रा पुली लेके इसकी यहाँ से सपोर्ट लेके यहीं पे फिक्स कर दिया। बहुत से बाहर करते हैं ठीक 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 ठीक, मतलब जैसे हाथ वगैरह ना, ये सेफ्टी के हिसाब से भी, और वैसे भी अंदर है चोरी चोरी का भी फर्क है, पानी वानी लगने से कुछ कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये बाहर से जैसे इसकी फिनिशिंग देखा हम, ये प्रॉपर ये पायदान चढ़ने के लिए, ये अपना वो इंडिकेटर वगैरह सारी, आगे एलईडी लाइटें लगाई हैं दो, मतलब एक बड़ी और दो छोटी छोटी, और साथ में फेंडर भी बनाया है लोहे का। हाँ, लुक अच्छी आएगी उससे, थोड़ा सा बारिश का पानी है जो थोड़ा आगे पीछे लाइट भी ख़राब होने का डर नहीं होता, इसमें चांस कम है। इधर बाहर से देख लो फिनिशिंग इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके, दो डोर बनाए, एक ये दरवाज़ा है पूरा, ये पूरा डोर है खोलने के लिए ऊपर से नीचे तक चढ़ने के लिए, और अंदर वाको एक ये यहाँ पे बनाया है, बाहर से नहीं खोल सकते आप इसको बिल्कुल, कोई कहीं से भी बाहर से नहीं खोल पाओगे, अंदर से ऑटोमेटिक लॉक में है ये, अंदर से खुलेगा। और ये साथ में ये भी दी है स्टिक, ताकि आप चाहो तो इसको यहाँ पे एक लिमिट तक खोलना चाहते हो, जब चलते टाइम हवा अंदर आए तो एक लिमिट तक भी खोल सकते हो आपके अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। ये पीछे इन्होंने बंद कर दिया, और एक दरवाज़ा पीछे है, ये है, ये हाइड्रोलिक के साथ में है, ये डबल हाइड्रोलिक जैक लगेगा इसमें? नहीं, सिंगल ही में है, डबल मतलब ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा सिंगल हाइड्रोलिक जैक के साथ में है ये, ठीक ठीक ठीक। ये नीचे देखने के लिए हाइड्रोलिक में कोई भी इम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ, कैसे क्या काम कर रहा है, उसकी वर्किंग प्रोसेसिंग देखने के लिए यहाँ पे कर दो, बंद कर दो इसने। और ये पीछे भी लाइट, पीछे भी एलईडी लाइट भी लगेगी, बड़े वाली पीछे नहीं लगेगी, बड़े वाली नहीं लगेगी, छोटे वाली लगेगी ठीक ठीक। आपने जो जो इससे का जो जो फैन वगैरह हो सारे कहाँ आपने छत? इसलिए है कि जैसे मान लो कुछ पीछे काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, पे रोटावेटर या कल्टीवेटर कुछ भी पीछे देखने के लिए, उसके लिए लाइट लगाई गई है। नहीं नहीं, लाइट इसका तो बेनिफिट होता है वैसे ट्रैक्टर में, इसलिए बड़ी दी गई है कि आगे फ्रंट बस आगे लाइट, आगे देखना, रात को भी बंदे को चलना पड़ता है वो परेशान हो जाएगा। ठीक ठीक, ये इधर से भी इस तरीके से है, ये दोनों तरफ से चढ़ने उतरने के लिए है, आप जैसे चाहो वैसे उतर सकते, चढ़ सकते हो। और बाकी इसका खर्चा कितना क्या आ गया होगा इस बंदे का? प्राइस इसका रखा है सर हमने, जो है वो है 170। अच्छा, 170,000 रुपये इसका प्राइस है जो इन्होंने इसके अंदर हमारे। अच्छा, ऑन डिमांड है, जैसा चाहो वैसा बनवा सकता बंदा, करवा सकते हो। देखो उसमें आप जैसा क्या हो गए, हाँ हाँ, आप जिस तरीके का चाहते हो उस हिसाब से, जैसा गुड़ वैसा मिल। अच्छा अच्छा, जैसे अभी इन्होंने एक मिनट ना, ये अभी लगने बाकी हैं, ये वैसे टेप से, हाँ टेप से चिपकाए हैं, ये सारा ब्लॉक हो जाएगा, सारा फिनिश होगा पूरा। अच्छा, ये सारा ब्लॉक होगा, फिनिश फिनिशिंग हो रही है, इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है ठीक ठीक। और जो ये साइड में ये रिएक्शन की ये सीटें लगाओगे प्रॉपर की है, और ऊपर गद्दियां भी बनेगी। अच्छा, यहाँ गद्दियां भी बनेगी, जैसे गाड़ियों में आता अपने, जैसे उस टाइप की फिनिशिंग हो जाएगी इसमें प्रॉपर, जैसे पूरा पैक कर दिया, डस्ट प्रूफ हो गया, ये डस्ट प्रूफ है ये तो। और अंदर कुछ सामान वगैरह कैरी करने के लिए, अच्छा वो टूल भी बनाया इसका, ये देख पीछे म्यूजिक सिस्टम, जो कि बारिश पानी वूनी ना लगे, बिल्कुल सेफ तरीके से। इधर लाइट भी दी है, और भी लाइट लगवा सकते हो, और ऊपर भी रिएक्शन लगाई है इन्होंने ताकि फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ पे टूल दिया है साथ में, कोई भी टूल आप यूज कर सकते, यहाँ पे कोई भी अपना सामान रख सकते हो। इधर ये बटन स्विच दिए हैं, ये सारे गाड़ी वाले स्विच,
और इधर ये अपना ब्लोअर, ब्लोअर का फेस, इधर ऑन ऑफ फैन ऑन करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए, ये प्रॉपर फिनिश हो जाएगा। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, ट्रैक्टर ये ऐसी जाना था, और आगे विजिबिलिटी, फुल विजिबिलिटी है, पूरा दिखता आगे का ट्रैक्टर के अंदर, काफ़ी स्पेस है अंदर भी बैठने के लिए भी। और इधर एक खिड़की इधर है, और एक खिड़की इधर बनाई है इन्होंने, और यहाँ पीछे आप लेटने के लिए भी, सीट के पीछे अगर आप लगवाना चाहते हो तो ईजिली आप लगवा सकते हो, बैठने लेटने के लिए और सब करने के लिए। और अभी फ़िलहाल जो कस्टमर की डिमांड थी, ऑन डिमांड जैसे इन्होंने ये एसी केबिन तैयार किया अभी फ़िलहाल। और किसी भाई ने अगर एसी के नंबर क्या है जी, अपना नंबर बताओगे? नंबर आप ले लो 98966 9683908 ये पार्टनर का नंबर है, रिंकू का। अच्छा अच्छा, रिंकू का नंबर है। इस पर भी फ़ोन करो तो मंडे टू फ्राइडे और सुबह 8 से लेके शाम ना 5 बजे तक, हाँ शाम को 5 बजे तक काम कराना। ये नहीं पूछताछ के लिए कर सकता है, बाकी ये नहीं कि पूरा पायदान वगैरह सारी चीजें बन गए, बंद होगी इसकी। जैसे ये जो प्राइस है, ये जैसे जैसे कस्टमर जो जो चीज़ें लगवाना चाहे उसके हिसाब से प्राइस हो जाए, कुछ भी काम बढ़ेगा इसमें या कुछ भी काम आता है इसमें। हाँ आपकी भी तो कॉस्ट लगेगी वो तो। हाँ जी, एक्स्ट्रा काम आएगा तो एक्स्ट्रा पैसे, अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे को थोड़ा हल्का चाहिए तो वो हल्के में भी हो सकता। हाँ प्राइस कम ज़्यादा भी हो सकता, उसमें कोई नहीं है, वो तो कोई ज़्यादा डिफरेंस कोई फिक्स नहीं है किसी तरह से। अच्छा अच्छा, ये आप ट्रैवलर का भी काम करते हो? टेम्पो ट्रैवलर अभी नहीं आई है, इसको हम अंदर से मॉडिफाई करेंगे। अच्छा अंदर से मॉडिफाई करोगे, अंदर से। और कोई कैब है अभी अपनी जो आपने मॉडिफाई की हो ऐसी कोई? अभी फिलहाल तैयार तो कोई नहीं है, तैयार होने के बाद तो लोग ले ही जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, अगर तैयार होने के बाद तो सब ले ही जाते हैं। ये है भाई मेनली ट्रैक्टर का था एसी केबिन, जो कि सोनीपत के अंदर ये एसी केबिन बनाते हैं, दीवान फार्म के सामने, करपाल बॉडी के नाम से इनका, करपाल बॉडी मेकर के नाम से इनकी शॉप है। और नंबर ये दिया है, ये रहा नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ कांटेक्ट करना सोमवार से शुक्रवार और सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक, क्योंकि सबके पास फैमिली है और हर किसी को अपना काम भी होता थोड़ा सा। आप और मैं तो ये कहूँगा आप सीधे यहीं आओ और अपना एसी केबिन बनवाओ अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। आप और क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो ट्रैक्टर के अंदर, जैसे कि ट्रैक्टर अब या जो बंदे की रिक्वायरमेंट होगी आप वो ही बना देते हो, जिस रिक्वायरमेंट हो, किसी को ऊपर छत लगवानी है, अच्छा लगवाना है फ्रंट पे, पायदान लगवाने हैं, मुड़गाड़ बढ़वाने हैं, कुछ भी है। अच्छा मुड़गाड़ और कुछ भी करवाना हो ट्रैक्टर के अंदर वो ही आप काम कर दोगे? ये भाई हैं जिन्होंने हमारा ये ट्रैक्टर अच्छा 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 इनका भी। ठीक ठीक ठीक, चलो कोई नहीं, तो एक अलग वो तो कारीगर का तो काम है ही ये सारा। ये मुड़गाड़ भी आपने लगाए हैं फ्रंट वाले मुड़गाड़? अच्छा ये भी आपने लगाए हैं। ये था भाई ट्रैक्टर सोनाली का, एसी केबिन लगाए इन्होंने, अभी वर्किंग पे है ये। और अगर किसी भाई ने एसी केबिन लगवाना है तो इसमें ये नंबर, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया, आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। और ऑन डिमांड है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप बनवा सकते हो। और जैसी भी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं सुधार कर सकूं और बंदों को, इनको भी हेल्प मिल सके इस चीज़ के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।